जूनियर डॉक्टर की हड़ताल टूटने के 11 दिन बाद सरकार ने मानदेय से संबंधित आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टरों में मानदेय को लेकर भारी आक्रोश था, जिसे लेकर वह 23 दिसंबर को हड़ताल पर चले गए थे। इसी दौरान मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। 9 दिन तक चली हड़ताल के बाद प्रधान सचिव और स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन पर 31 दिसंबर की रात 10 बजे जूनियर डॉक्टर काम पर लौटे। इसी कड़ी में सरकार ने आश्वासन पर काम किया और सोमवार को आदेश जारी कर दिया। अपने आदेश में सरकार के अपर सचिव कौशल किशोर ने आदेश में कहा है कि दिनांक 1 जनवरी 2020 से वर्ष मानदेय की राशि प्रथम वर्ष के पीजी छात्रों के लिए 68,545 रुपए, द्वितीय वर्ष के पीजी छात्रों के लिए 75,399 रुपए और तीसरे वर्ष के पीजी छात्रों के लिए 82,938 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि अनाधिकृत अनुपस्थिति के मामले में प्रतिमाह की राशि में अनुपातिक कटौती करने ही राशि का भुगतान किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के पीजी छात्रों को अधिकतम 12 माह में मानदेय का भुगतान मान्य होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि संकल्प में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राज्य पत्र के आगामी अंक में तुरंत प्रकाशित किया जाएगा। न्यूज डेस्क, नेशन न्यूज, पटना।